हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे चैनल सरकारी अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करनी है भोपाल जोन का जो डीबी हुआ कल के दिन, तो उसका पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। हमारे जो फ्रेंड्स सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस कल का हमारे साथ शेयर किया है, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको ये वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं फुल डिटेल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक। और आज ही के दिन हम शाम को उन लोगों से पूछ के, आज मेडिकल हो रहा है उनका, तो मेडिकल के बाद हम आपको उनके फुल जानकारी लेके आपको मेडिकल का भी रिव्यू करके देंगे कि किस तरह से मेडिकल हुआ। जिन लोगों का अभी तक मेडिकल और डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके साथ पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जबलपुर जंक्शन पर जाना है। वो लोग सबसे पहले जबलपुर जंक्शन पर गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जैसे ही वे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गए, तो वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपके आरआरसी की हेड ऑफिस की दूरी 200-250 मीटर होगी। वहाँ से किसी से भी आप पूछ लेना है, वो आपको बता देंगे। और जैसे ही आप वहाँ पे आरआरसी के ऑफिस पहुँचेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि आपका पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जिसका जिस समय दिया गया था, उसी समय का उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका हुआ था। दोस्तों, कई फ्रेंड्स का हमारे सुबह के 9:30 बजे का स्टार्ट हुआ था, कई लोगों का दोपहर के 2 बजे के स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, जैसे ही उनका स्टार्ट हुआ, तो उन्हें टोकन नंबर दिया गया। दोस्तों याद रखना, टोकन नंबर वही जो एडमिट कार्ड में भी दिया रहता है। जैसे टोकन नंबर दिया गया, उसके बाद दोस्तों बुरी बात, सबसे बुरी बात क्या रही है, वहाँ पर स्लो प्रोसेसिंग चली। वहाँ पे इतना समय लग रहा था, एक कैंडिडेट एक बच्चे के ऊपर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय से अधिक लिया जा रहा था। वहाँ पे एक अच्छी बात ये रही है कि दोस्तों डीबी में किसी को रिजेक्शन नहीं मिल रहा था, जहाँ तक कि जितने भी कैंडिडेट्स गए थे उनको सबको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा था। दोस्तों, आपको एक बात समझ लेना है कि अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा हार्डली लिया जा रहा है मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कहीं कहीं मतलब रफली किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को, लगभग किसी का, उन्होंने बताया कि किसी का भी रिजेक्शन नहीं किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप डीबी के लिए जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पहले आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देने हैं। और वहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि जैसे आपके आरआरसी अपलोड करने के समय, वहाँ पे बैंक चालान और पोस्ट ऑफिस चालान का स्लिप भी अपलोड करने के लिए मांग रहे थे। तो आपको जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय का जो आपका पेमेंट स्लिप रहा है, वहाँ पे बैंक चालान और पोस्ट ऑफिस के चालान पे वो पेमेंट स्लिप अपलोड कर लेना है। उन लोगों ने ऐसा ही किया था, उन लोगों के साथ बढ़िया मतलब सही हुआ था, वो माना गया था, उन लोगों ने मान कर लिया गया था। और यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक, उन लोगों की बायोमेट्रिक हुई थी 2 बार हुई, एक सीबीटी से मैच कराई गई थी और एक पीईटी से मैच कराई गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और बताई गई है कि कई लोगों की बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही थी, तो उसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही है, तो अहमदाबाद के जोन पे भी यही हुआ है कि कम से कम 30 से 40 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई, लेकिन उन्हें ऑफिशियली कह दिया गया है कि आपकी अगली तारीख दी जाएगी बायोमेट्रिक मैच होने की। और वहाँ पे उन कैंडिडेट ने आसपास पूछा, तो उन्हें बताया गया है कम से कम 30-40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आ रहे हैं, उनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही है, तो उन्हें ऑफिशियली कह दिया गया है कि हम मैसेज के ज़रिए या ऑफिशियली आपको सूचित कर देंगे और आपको तारीख भी दे देंगे। तो दोस्तों, आप वहाँ से आएँ, तो वहाँ से आपको लिखित में, रिटर्न में कुछ लिखवा के लाना है कि हम यहाँ पे आए थे और हमारा बायोमेट्रिक मैच नहीं होने के कारण वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे बात दोस्तों प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस यहाँ पे 5 जोन थे प्रेफरेंस में। एक कोटा था, गंगापुर सिटी और इटारसी, भोपाल और जबलपुर, यहाँ पे 5 जोन प्रेफरेंस में थे। और यहाँ पे मेडिकल, दोस्तों मेडिकल कल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो आज उनका मेडिकल स्टार्ट हो चुका होगा। मेडिकल होने के बाद हम आपको शाम के पूरा मेडिकल का रिव्यू देंगे, उनसे पूछ के किस तरह से उनका मेडिकल हुआ है। आपका फोटोकॉपी भी दोस्तों 2 सेट ले जाने हैं फोटोकॉपी करा के। वहाँ पे आपको अगर नहीं भी ले गए, तो वहाँ पे आपको पास में फोटोकॉपी की दुकान भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप
दो सेट बनवा सकते हैं। निकल शायद ना मिले, इसलिए घर से करवाना करवा के ले जाना बहुत ज़रूरी है। दो सेट करवा के लेना। अच्छी बात सबसे बात ये है दोस्तों कि वहाँ से 150 से लेके 150-200 तक कैंडिडेट्स गए निकल, किसी को भी रिजेक्शन नहीं मिला, कोई भी रिजेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीबी की, डीबी कैसे हुआ। डीबी के आपको दो सेट बनाए गए, एक फाइल में रखा गया और उस फाइल के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखे गए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस फाइल में रखे गए और डॉक्यूमेंट को वहाँ की जो हेड था उसके पास पहुँचाया गया, पूरी फाइल को उस हेड के पास पहुँचाया गया। वहाँ पे एक एक करके सारे कैंडिडेट्स का मैन्युअली चेक किया गया। जब वहाँ पे मैन्युअली चेक किया गया, फिर वहाँ पे मैन्युअली चेक करने के बाद उस फाइल को रख लिया गया उन्हीं के पास। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात तो कॉमन है कि यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट्स फेल नहीं किए गए, और अहमदाबाद में जो कि हार्डली चेक किया जा रहा था वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट फेल किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि मेडिकल में कितने कैंडिडेट्स, ऐसा ही रफली कार किया जा रहा है या वहाँ पे स्ट्रिक्ट कार किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मेडिकल की बात समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेडिकल में जाएँ तो मेडिकल में जाने से पहले आपको कहीं भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है और कहीं भी कॉफ़ी चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आइस वाटर भी नहीं लेना है आपको, नॉर्मल वाटर पीना है जब आप मेडिकल के लिए जाएं। तो दोस्तों जैसे मेडिकल के लिए जाएं तो हमारे साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।